फ्रेंड्स, वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट बट ओनली हु इज लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स के साथ बस मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक और यूट्यूब के वॉर की। और फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमारी जिंदगी को अधूरा कर दिया ऐ नफरत, तूने अपना काम पूरा कर दिया। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है आमिर के लिए जिसने सच में अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया। इट मीन्स उसने अपने करियर के साथ साथ टिकटॉक का करियर भी ख़त्म कर दिया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैरी मिनाटी की। इस शेर के लिए एक शानदार शेर है, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जीव ऐसे कि मिसाल बन जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे कैरी मिनाटी जी। और आपको पता है ये इंडिया के 5 टॉप यूट्यूबर्स में से एक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनका काम है रोस्टिंग करना। और फ्रेंड्स, ये जिस वीडियो को रोस्टिंग के लिए चुनते हैं उस वीडियो के व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं। इट मीन्स क्या, ये काम तो रोस्टिंग का करते हैं बट इसका गुड इफेक्ट क्या होता है? इसका गुड इफेक्ट होता है कि उस वीडियो की पब्लिसिटी हो जाती है और उसके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप ही तय करें ये अच्छा है या बुरा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैरी मिनाटी जो वीडियो चूज़ करते हैं रोस्टिंग के लिए उनका भी अपना एक लेवल होता है। और यदि आमिर की वीडियो चुनी गई थी रोस्टिंग के लिए कैरी के द्वारा, तो मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक गुड पॉइंट था और आमिर को इससे पब्लिसिटी ही मिली है और अब उसे सभी जानने भी लगे हैं। नहीं तो इसके पहले मैं तो खैर उसे नहीं जानता था। मैं आप सबकी बात नहीं करता, मैं आमिर की नासमझी के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि ये शब्दों के बाढ़ हैं, ताकत इनकी ऐसी है, समझ गया तो बुद्ध है, न समझा तो युद्ध है। और आमिर, तुमको क्या लगता है रोस्टिंग करना आसान काम है? जा करके देखो कैरी मिनाटी की रोस्टिंग करने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ है। और कैरी मिनाटी यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा, बहुत 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 काबिलियत चाहिए उसके लिए पहुँचने के लिए। और हिम्मत सबसे बड़ी चीज़, काबिलियत के साथ साथ हिम्मत, क्योंकि आप रोस्टिंग जब करते हो तो हर कोई बुरा मानता है। और इतना कुछ झेलते हुए यदि तुम मार्केट में बने हुए हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा कैरी मिनाटी की पकड़ और पहुंच के बारे में तो तुम अच्छे से जानते हो कि एक अकेले लड़के ने पूरे टिकटॉक को हिला करके रखा है और पूरे टिकटॉकर्स को हिला करके रखा है। अब इसके साथ हम YouTube और TikTok की बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। और आपको पता ही है कि जितने भी TikTokers हैं वे सभी के सभी YouTube पर ही वीडियो बनाना सीखते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को जो है अपलोड करना सीखते हैं कि TikTok पर वीडियो कैसे अपलोड की जाए। सभी की इन्फॉर्मेशन ये YouTube से ही लेते हैं, उसके बाद YouTube को ही क्लेम करते हैं कि हम उनसे बेटर हैं। क्या बात है, वाह क्या बात है। मेरी नज़र में YouTube की वैल्यू क्या है और TikTok की वैल्यू क्या है, तो बस मैं ये कहूँगा कि YouTube एक हाथी है तो उसके कंपैरिजन में जो TikTok है वो केवल एक चींटी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबव 26 करोड़ यूजर्स हैं YouTube के ऑल ओवर इंडिया में। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये 2019 के हिसाब से है, अब तो पता नहीं क्या आलम होगा। उसके अलावा यदि आप देखें तो कोई भी मोबाइल बिना यूट्यूब के नहीं चलाना चाहेगा इस समय। और बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्रोवाइड करता है। और टिकटॉक क्या करता है? टिकटॉक तो केवल और केवल इंटरटेनमेंट का ही, स्पेशली इंटरटेनमेंट का ही प्लेटफॉर्म आपको देता है। टिकटॉक क्या करता है? टिकटॉक केवल 99% आपको इंटरटेनमेंट का ही प्लेटफॉर्म देता है, वो भी 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक की वीडियो। और यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब पर आप पूरी तरह से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे नॉलेजेबल हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, कुछ भी। कोई बड़ा से बड़ा कंसर्ट भी यदि आप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। तो ये आप समझे कि यूट्यूब की वैल्यू क्या है। यूट्यूब के बिना इस समय दुनिया चल ही नहीं सकती है ऑनलाइन वाली। सो YouTube की और TikTok का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो फालतू की बात हुई। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैं कहने क्या आया था आज और आज कहना क्या चाहता था, कि कंपैरिजन YouTube और TikTok का बेकार है। उसके अलावा अब मैं क्या नाम लूँ जो हमारे बाहुबली हैं कैरी मिनाटी और आमिर, इनकी कोई तुलना नहीं है। और मेरे ख्याल से तो सारे टिकटॉकर्स को भूल जाना चाहिए कि वे कभी भी यूट्यूबर्स के बराबर हो सकते हैं। हाँ, यदि उनके अंदर काबिलियत है तो YouTube पर अपनी वीडियो बनाएं और फिर देखते हैं कि वे कैसा परफॉर्मेंस कर पाते हैं YouTube पर, तब पता चलेगा कि आखिर उनके औकात क्या है। सो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर टुडे। आप मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।